सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता होगा, एमएक्स टकाटक पर भाई आप लोग के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं अभी। हालांकि कुछ दिन से ही नहीं बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले भाई आपके डेली बाय डेली 40 से 50 एवरेज बढ़ जाते थे और बहुत सारे भाइयों के 100-200 भी बढ़ते थे और किसी किसी के तो 300-400 से ऊपर भी बढ़ जाते थे। अपनी आईडी पर भी दिखाऊंगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है या नहीं चल रही है और कैसे इसको फिक्स करेंगे। तो आज की वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। और भाई बहुत सारे लोग की ये भी डाउट आ रहा है कि भाई आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे, तो भाई ये भी प्रॉब्लम आज की इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो वीडियो ध्यान से देखते रहना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए यहां पर बनाता रहता हूं सबसे पहले। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो गाइस, हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, अब एमएक्स टकाटक कर लेते हैं हम लोग ओपन। तो एमएक्स टकाटक हमने जैसे ओपन किया, उसके बाद यहां पर आपको मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप लोग मेरी प्रोफाइल देखो सबसे पहले। अभी मेरे प्रोफाइल पर देखो 3726 फॉलोअर्स हैं। तो मैं अभी आपको पहले अपना क्रिएटर सेंटर दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं आगे की जानकारी। तो देखो यहां पर क्रिएटर सेंटर हमने ओपन किया, अभी क्रिएटर एनालिटिक पे हम लोग क्लिक करते हैं। अभी यहां पर आप लोग देखोगे तो भाई मेरे फॉलोअर्स जो बढ़ रहे हैं डेली डेली, देखो 6, 24, 29, 21, यहाँ पर एक दिन 6 माइनस हुए। अब यहाँ पर देखो 12 बढ़े 15 मार्च को। अभी तो मैंने आपको 7 दिन के दिखाया, मैं अभी 30 दिन के करके दिखाता हूँ। भाई 30 दिन में भी देख तो भाई ये प्रॉब्लम बहुत दिन से चल रही है। यहाँ पर देख तो एक दिन मेरे 0 बढ़े थे, किसी दिन 7, ऐसे मतलब ये तो भाई ना के बराबर ही समझ लीजिए। क्योंकि भाई मेरे तो पहले 7 दिन में 400-500 बढ़ जाते थे, व्यूज भी मेरे काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। देख तो किसी किसी दिन 400-500 ऐसे व्यूज आते हैं। इसका एक ही कारण है, अभी आपको कारण भी आगे जानने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर लेते हैं बैक। अब भाई फॉलोअर्स की तो प्रॉब्लम सबको चल रही है तो आपको पता होगा, बट यहाँ पर व्यूज की प्रॉब्लम आपको दिखाए थे। देखो भाई मेरे अभी यहाँ पर अभी वीडियो डाली है, 883 व्यूज इस पर आ चुके हैं। तो भाई ये वीडियो डाले हुए मुझे कितने मिनट हुए, अभी यहाँ पर देखो 1 घंटा हुआ है वीडियो डाले। यहाँ पर देखो तो 1 आवर लिखा है, 1 घंटे में यहाँ पर 883 व्यूज। तो भाई व्यूज की तो प्रॉब्लम फाइनली मेरी आईडी पर तो नहीं है, क्योंकि भाई व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं मेरी आईडी पर। अभी भाई कुछ लोगों की आईडी पर व्यूज की प्रॉब्लम होगी, अभी आगे बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों चल रही है। तो यहाँ पर देखो मेरी आईडी पर व्यूज की प्रॉब्लम नहीं है, 5,000, 3,000, 7,000, 4,000 मतलब एवरेज व्यूज ठीक ठाक आ जाते हैं फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है व्यूज की। जैसा कि आप लोगों ने मेरी आईडी देखी, मेरी आईडी पर व्यूज की तो प्रॉब्लम नहीं है, ना ही लाइक्स की प्रॉब्लम है। हालांकि फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, फॉलोअर्स मेरे अच्छे खासे पहले बढ़ रहे थे बट अब नहीं बढ़ रहे। तो भाई ये प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम चल रही है लास्ट जनवरी से, जब टकाटक का लास्ट अपडेट आया था करीब करीब 17 जनवरी को। तो 17 जनवरी को अपडेट आया था, उसके बाद 20-25 जनवरी से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। एमएक्स टकाटक पर अपडेट कोई आया नहीं, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गई स्टार्ट। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई, देखो एमएक्स टकाटक पर आ गए बहुत सारे बग्स, जिससे आपकी वीडियो को तो रीच मिल रही है बट आपकी प्रोफाइल व्यूज एमएक्स टकाटक नहीं दिखा रहा है। एमएक्स टकाटक के एल्गोरिथम में ये सेट होता है कि भाई कौन कौन से बंदे फॉलो अनफॉलो कर रहे हैं, उनके पास आपकी आईडी को रिकमेंड करता था ताकि इसको बंदा फॉलो करे और जो सामने वाला बंदा वीडियो बना रहा है वो मोटिवेट रहे। हालांकि अब क्या है, अब कुछ बग्स के कारण ऐसे आपकी आईडी जो है रिकमेंड नहीं करी जा रही है उन बंदों को जो बंदे फॉलो अनफॉलो कर रहे हैं। अगर उनको रिकमेंड करी जा रही है आईडी आपकी अभी से फिर से, तो भाई आपके फिर से वैसे ही फॉलोअर्स बढ़ने लग जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम फिक्स कब होगी ये भी मैं आपको बता ही देता हूं। देखो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी जैसे ही शेयर चैट कोई नया अपडेट लेकर आएगा एमएक्स टकाटक पर। आपको पता होगा कि भाई शेयर चैट ने इसको खरीद लिया है। अब शेयर चैट जैसे ही कोई नया अपडेट लाएगा, अब भाई कुछ तो दिन लग ही जाएंगे। अब जितना दिन लगता है वो शेयर चैट पर डिपेंड करता है और एमएक्स टकाटक पर भी डिपेंड करता है। उन्होंने लगा भी ये पूरा एमएक्स टकाटक शेयर चैट का नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई अभी सपोर्ट टीम जो है वो एमएक्स टकाटक की ही है। अगर आप एमएक्स टकाटक को मेल करोगे तो वो एमएक्स टकाटक की तरफ से आता है, वो भी शेयर चैट के पास मेल नहीं जाता, क्योंकि भाई अभी जो पूरी टीम है वो एमएक्स टकाटक की ही टीम काम कर रही है। तो भाई जब भी कोई नया अपडेट आएगा तब आपकी सारी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपके फॉलोअर्स वैसे ही बढ़ने लग जाएंगे, आपकी रीच वैसे ही आने लग जाएगी और आपकी व्यूज लाइक सब कुछ इंक्रीज होने लग जाएंगे जैसे आपके पहले बढ़ रहे थे और उससे ज्यादा ही कुछ होगा। तो भाई तब तक के लिए आप लोग वीडियो बनाते रहो, क्योंकि अगर आप वीडियो बनाना छोड़ दोगे एमएक्स टकाटक पर तो भाई आपकी आईडी और ज्यादा डाउन हो जाएगी, आपके व्यूज बिल्कुल नहीं आएंगे, आपके फॉलोअर्स बिल्कुल ही नहीं बढ़ेंगे, ऐसा थोड़े बहुत बढ़ ही जाते हैं। अभी आप नए अपडेट का इंतजार करो, क्योंकि अगर आपने इतनी मेहनत करी है एमएक्स टकाटक पर, आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए तो आप ऐसे तो छोड़ नहीं दोगे। अभी नए अपडेट का इंतजार कर लो, अगर नया अपडेट आता है तो आता है, वरना आप किसी दूसरे पर भी शिफ्ट हो सकते हो। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और नया अपडेट जल्द ही आ जाएगा, इसकी भी आपको चिंता नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।